जन आशीर्वाद यात्रा या फिर मामा की नौटंकी, समय से एक दिन लेट पहुंची यात्रा, नेताओं के चक्कर में कार्यकर्ताओं को सेव परमल खाकर जागना पड़ा रात भर, परेशान ग्रामीण आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप, दामनोद मूवी इस रात की नौटंकी कहीं भारतीय जनता पार्टी को धर्मपुरी विधानसभा में गड्ढा ना दे जाए। जी हां, कल रात मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा रात में 2 बजे धार जिले में पहुंची, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए मस्त थके और हारे मुट्ठी भर कार्यकर्ता ही मौजूद थे। वह चंद अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जिनकी शायद मजबूरी बन गई थी मुख्यमंत्री की अगवानी की। आपको बता दें कि बीती रात 2 बजे जन आशीर्वाद यात्रा का धार जिले में प्रवेश हुआ, जिसके बाद सीएम का काफिला धामनोद की सड़कों पर थके हारे चंद लोगों के बीच से होकर सभा स्थल पहुंचा, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा में मौजूद मुट्ठी भर लोगों और पंडाल में पड़ी खाली कुर्सियों को संबोधित करते हुए अपनी रट्टू तोते की छवि को बिल्कुल धूमिल न करते हुए वही कैसेट बजा डाली जो हर किसी को याद हो चुकी है। साथ ही खाली कुर्सियों और कर्मचारियों से भरे पंडाल में आने वाले चुनाव को लेकर आशीर्वाद मांगा, जिसमें खाली कुर्सियों ने जनता की ओर से अपनी प्रतिक्रिया शांत रहकर बता दी है कि कहीं इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को न भुगतना पड़े। धार से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।